रानीपेटई वालजा सिटी कांग्रेस पार्टी का 129वां उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर अध्यक्ष सी मणि ने की। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष रवि ने सभी का स्वागत किया। तिरुची वेलस्वामी ने एक विशेष भाषण दिया। इससे यातायात प्रभावित होने के कारण दुर्घटनाएं होने की आशंका अधिक रहती है और नगर निगम प्रशासन को तत्काल इसमें हस्तक्षेप कर कार्यवाही करनी चाहिए। वालाजा क्षेत्र में गांजा की बिक्री दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पुलिस को इसे रोकना चाहिए। और इतना ही नहीं, वालाजा पुलिस स्टेशन के निरीक्षक वालाजा और अरकोट दोनों में काम करते हैं। पुलिस निरीक्षक को वालाजा पुलिस स्टेशन में स्थायी रूप से नियोजित किया जाना चाहिए और तभी ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। जिलाध्यक्ष कोटेश्वरन शशि कुमार दीना कार्यक्रम में समर सेवक के रूप में जयप्रकाश पवित्रा शशि कुमार अराफात नियाज पद्मनाभन मोइदीन भद्रुन निशा और कई पार्टी के पदाधिकारियों ने भाग लिया। இந்து முன்னணிக்கோ ஆர்எஸ்எஸ் எவனும் இதில் தலையில்லை. இப்ப நாங்க செய்ய போறோம், காங்கிரஸ் காரன் செய்வோம், நிச்சயமா செய்வோம். அந்த தேர்தல் எடுத்து உள்ளதான் விடுவோம். இது இதெல்லாம் நான் இதுக்கு நான் டைம் இல்லை, ஷார்ட் ஷார்ட்டா நான் பேசி போறேன். அடுத்தது வாழாதாவில் முக்கியமான விஷயம் இந்த கஞ்சாங்க. எங்க போற கஞ்சா, எங்க போற காட்டன் மார்க்கெட், என்ன காரணம் தெரியுமா? என்ன காரணம்? இதை அடக்கவோ பிடிக்கவோ முடியாத காரணம் என்ன? இந்த வாலாஜா போலீஸ் ஸ்டேஷனில் 36 கான்ஸ்டபிள் இருக்காங்க, 36-38 பேர் தான் இருக்காங்க. ஜனத்தொகை எவ்வளோ தெரியுமா? 3 லட்சம் பேருக்கு 36-37 கான்ஸ்டபிள் வச்சு என்ன செய்ய முடியும்? விட்டங்க முடியல.